अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस के हवाले से हमने आपको चंद दिन पहले खबर दी थी कि गैर मुल्की कोचेस के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राबता हुआ है और अब हमारे पास वो नाम आ गया है कि कौन सा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां संभालेगा। हालांकि अगर हम पीएसएल की बात करें, पीएसएल में मौजूद गैर मुल्की कोचेस के साथ पीसीबी मुसलसल रबते में था, जिसमें सर विवियन रिचर्ड्स भी शामिल हैं, माइक हेसन भी शामिल हैं, डेरन सैमी भी शामिल हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच जो कि पहली बार कोचिंग कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, शेन वाटसन, उनका नाम भी जेरे गौर था। तो पीसीबी 4 से 5 बंदों के साथ रबते में था मुसलसल। और इस हवाले से जैसे कि आपको पता है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में मौजूद थे पिछले एक हफ्ते से, तो वहां पर उनकी कई मुसलसल मसरूफियात रही हैं, उनकी मीटिंग्स हुई हैं कुछ बंदों के साथ। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि मजबूत उम्मीदवार इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग के कौन है और कौन वो खुशनसीब शख्स होगा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेगा, पाकिस्तान का हेड कोच होगा। तो हमारे जराये ने हमें कंफर्म किया कि शेन वाटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर भी हैं और इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग कर रहे हैं। हालांकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 2-3 सालों से क्वेटा ग्लैडिएटर्स सबसे एंड पे आ रही थी, इवन प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर रही थी। तो जब से शेन वाटसन कोच बने हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तब से क्वेटा ग्लैडिएटर ने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया है और इसी वजह से पीसीबी ने भी शेन वाटसन के साथ रब्ता किया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां संभालें। एज ए हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ये ऑफर दी है कि वो आए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करें। तो इस हवाले से शेन वाटसन ने भी अभी तक हमारे जराये जो कन्फर्म कर रहे हैं कि आमादगी जाहिर कर दी है और वो कम्प्लीटली तैयार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभालने के ऊपर। इस हवाले से जो फाइनल डिसीजन होगा वो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी करेंगे। अलबत्ता हमारे जराये ने यह भी कन्फर्म किया कि इस्लामाबाद में ही जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मौजूद थी वहां पर चेयरमैन की शेन वाटसन के साथ कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ मुलाकातें शेड्यूल भी थी, उसमें शेन वाटसन के साथ साथ कुछ और भी दीगर अफराद थे जिनके साथ चेयरमैन पीसीबी ने मुलाकात की है। लेकिन शेन वाटसन का ऐसा नाम है जो कि अब मजबूत उम्मीदवार तसव्वुर किए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी लेने के लिए। तो जो मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी के साथ उसमें शेन वाटसन ने कुछ खसूसी जो चीजें थी मोहसिन नकवी को उन चीजों से आगाह किया और मोहसिन नकवी ने जब मुलाकात की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के साथ उसमें भी वो चीजें डिस्कस की गई थी और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो है फिटनेस का। हफीज ने भी तनकीद की थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की फिटनेस के हवाले से और शेन वाटसन ने भी यही कहा कि जब से वो यहां पर पीएसएल में आए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ प्लेयर्स को देखा, उन्होंने बड़ा क्लोजली काम किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, तो वो काम कर ही रहे हैं लेकिन बाकी टीमों में भी उन्होंने काफी क्लोजली वो फोकस कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेयर्स इस वक्त मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज से खेल रहे हैं, चाहे वो लाहौर कलंदर्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मुल्तान सुल्तान्स है, कराची किंग्स है या क्वेटा ग्लैडिएटर। तो इन तमाम खिलाड़ियों की फिटनेस के लेवल को शेन वाटसन ने परखा, जांचा और उसके बाद फिर उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ इस हवाले से बातचीत की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस इतनी आला मयार की नहीं है और इसी वजह से फिर मोहसिन नकवी ने यह फैसला किया और ये जो फिटनेस का इशू था वो तमाम तर प्लेयर्स के सामने उनको बता दिया कि आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है। जो मुलाकातें हुई इनमें शेन वाटसन ने और भी कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ सजेशन दिए हैं मोहसिन नकवी को कि ये चीजें हो सकती हैं। अब रहेगी ये बात हेड कोचिंग की ओहदे की, तो इस वक्त हेड कोच का ओहदा खाली है, पीसीबी का टीम डायरेक्टर तैनात किया गया था मोहम्मद हफीज को, लेकिन चूंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और पीसीबी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया था, इसी वजह से अब शेन वाटसन तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे, ये हमारे जराये ने कंफर्म किया है। लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और भी कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये तब्दीलियां क्या क्या होंगी और पाकिस्तान के टीम के सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन से नए बंदे आ सकते हैं, क्योंकि पीसीबी में इस वक्त तब्दीलियों का एक सिलसिला जारी है, कई सारी नई तैनातियां भी हुई हैं और इसी वजह से अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक नए कोचिंग स्टाफ के साथ एक नई टीम बनकर उभरे जो कि टी20 वर्ल्ड कप में भरपूर तरीके से परफॉर्म कर सके।